फिलहाल अभी आपको अंदर चल के दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे भैया जो कि वायरिंग कर रहे हैं, बाकी इस कमरे का भी सारी रह जाए। अभी काफी मतलब बच्चे लोग हैं जो कि अभी इस कमरे को खाली कर रहे हैं। इसमें जो कि स्टूडियो रहेगा, तो इसमें देख सकते हैं इसी में स्टूडियो रहेगा, इसलिए सारा काम जल्दी करा रहे हैं क्योंकि स्टूडियो बिना भी कोई भी काम नहीं हो रहा। सॉन्ग हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ अच्छे हो, स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग काफी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि कल का ब्लॉग जो कि काफी मस्त था। तो फिलहाल अभी जो है ब्लॉग लगभग 1:30 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज सुबह से ही सर में दर्द होता था, तो उस घर पे लेटे थे जहाँ पे खाना बनता है। तो अभी उठ के आए तो यहाँ पे काफी काम हो रहा है क्योंकि आज दो कमरे यहाँ पे प्लास्टर भी होंगे प्लस उसमें वायरिंग होगी। तो अभी वहाँ पे मोरंग उतर रही है दोस्तों, और अभी छत से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी आपको अंदर चल के दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है। तो मतलब काफी सर में दर्द था दोस्तों, तो इसलिए अभी ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। बाकी भी यहाँ पर काफी काम हो रहा है जो कि वो सारा कमरा भी खाली हो गया है। तो अभी एक सारा कमरा खाली हो गया, तो अभी इसमें वायरिंग की पाइप डल रही है, सारी पाइप वहाँ पे रखी हुई है। तो अभी ये भी कमरा खाली होगा जो कि इसमें से भी सारी रह जाएगी, सट जाएगी। तो फिलहाल अभी पहले इसमें जो कि सारा प्लास्टर हो जाएगा ये दोनों, उसके बाद ये वाला खाली होगा, इसमें भी होगा। तो मस्त अभी जल्दी से सारा कमरे को खाली करा देते हैं, बाकी वहाँ पे मोरंग उतर रही है प्लास्टर होने के लिए। यहाँ पे सारा सामान आ चुका है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे भैया जो कि वायरिंग कर रहे हैं, बाकी इस कमरे का भी सारी रह जाए। अभी काफी मतलब बच्चे लोग हैं जो कि अभी इस कमरे को खाली कर रहे हैं। ये देखिए ये बाकी यहाँ से भी सारी रजाई बाहर जा रही सारा मतलब सारा सामान अभी कमरे में कर देंगे। नीचे जो गोदाम है वहाँ पे सारे मतलब सारे सामान को भी नीचे कर देते हैं। ये भी शायद अभी जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं मजाक हो रहा है। तो अभी सारा सामान नीचे अंदर चला जाएगा। तो बस जल्दी जल्दी खाली करते हैं दोस्तों। तभी दोस्तों जब तक इसमें सारी रजाई बाहर जा रही है, तब तक के लिए अभी ये जो यहाँ पे सेटअप लगा हुआ था, अभी लाइट ये सारा भी खोल लेते हैं क्योंकि सारा प्लास्टर होगा तो अभी ये सारा गंदा भी हो जाएगा। तो अभी दोस्तों इसी कमरे में सारा देख सकते हैं, अभी पूरा मतलब पूरा गोदाम अभी भर जाएगा, तो अभी ये सारा नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे रखना, यहाँ पे रजाई रखी जाएगी, बाकी देख सकते हैं पूरा गोदाम भर चुका है, बिल्कुल खतरनाक मॉडल। तो अभी जो है सारा मतलब पूरा कमरा भी खाली कर देंगे। तो यहाँ से गट्ठर ऐसे आ रही है, तो अभी ऊपर का पूरा खाली कर देंगे क्योंकि अभी सारा प्लास्टर होना है। तो मस्त अभी अंदर सारा शिफ्ट कर देते हैं। इधर देख सकते हैं मतलब आपको उस दिन दिखाया तो इसमें ज्यादा सामान था नहीं, अभी पूरा गोदाम भर चुका है। तो यहाँ पे अभी भी सामान आ रहा है, ऊपर से सारा आ रहा है। तो अभी दोस्तों इस कमरे में भी इतना सारा सामान रख दिया गया, बाकी अभी अंधेरा हो है, इसमें लाइट नहीं लगा हुआ है क्योंकि अभी बाहर से कनेक्शन कट गया तो इसमें लाइट नहीं है। तो यहाँ पे पूरा गोदाम भर चुका है, बाकी अभी इसी कमरे में भी रख दिया गया है। अंदर ले जाए, अंदर हाँ वहीं पर रख दो। तो देख सकते हैं बिल्कुल गोदाम भर चुका है। ये पवन भाई डांसर, एक डांस करके दिखाओ, दिखाओ म्यूजिक हम लगा देंगे, दिखाओ ये। तभी ऊपर से सारा सामान आ रहा है, अंदर रखा जा रहा है, तो ये सारे लोग ले जा रहे हैं। इधर मौसी है, बाकी इसमें वाइज आराम से अंदर हुए कमरे में। तो इसमें देख सकते हैं वायरिंग हो गई है, मतलब सिर्फ पाइप लगा है, अभी तार लगाना बाकी है क्योंकि प्लास्टर होगा उसके बाद लगेगा। जब प्लास्टर हो जाएगा उसके बाद इसमें तार पड़ेगा, तभी सारा काम होगा। बाकी भी यहाँ से सारी रजाई जा रही है। एक कमरा खाली हो गया, अभी इसमें भी पाइप सारी लग रही है। तभी दोस्तों सारे लोग सामान ऊपर से नीचे लेकर जा रहे हैं, तभी ये सारे लोग सामान नीचे पहुंचा रहे हैं। तब तक अभी हम चलते हैं, मोरंग आ गई है तो अभी चल के सीमेंट ले आते हैं, पास में ही है पानीपुरा में जहाँ पे मुकेश भैया का घर है। तो अभी हम सौरभ गाड़ी से चल रहे हैं, सीमेंट लेकर आते हैं चलो। तो अभी फाइनली दोस्तों अभी सीमेंट भी लेकर आ चुके हैं, तो यहाँ पे अभी सारा काम भी हो गया है। तो सीमेंट इधर रखा हुआ है, ढांक दिया गया है, तो अभी सीमेंट भी आ गया। बाकी जो सारा सामान था अभी ये दो कमरे का पूरा खाली होकर नीचे चला गया, अभी अंदर का थोड़ा सा सामान बचा हुआ है।
जैसे कि ये काउंटर है और ये बक्सा और ये मिक्सर बड़ा वाला। अभी ये तीनों सामान बचा हुआ है और अभी ये पर्दा भी नहीं खोला है, देख सकते हैं। अभी पर्दा भी निकालना है, बस पर्दा निकालने फिलहाल अभी जो है कल से काम लगेगा सारा प्लास्टर का। तो ये और ये हो जाएगा, जिसमें ये इसमें जो कि स्टूडियो रहेगा, तो इसमें देख सकते हैं इसी में स्टूडियो रहेगा, इसलिए सारा काम जल्दी करा रहे हैं क्योंकि स्टूडियो बिना भी कोई भी काम नहीं हो रहा सॉन्ग वाला। तो इधर देख सकते हैं सारा जो है पाइप लग गया है बोर्ड वाला, जब प्लास्टर होगा उसके बाद वायरिंग होगी, फिर और सारा सामान तो है ही, बस इसमें जो है वो बनाना होगा जिसमें गाया जाता है वो वाला सेटअप। बाकी सारा काउंटर ये भी उसे अच्छे से फिनिशिंग उसमें करा लेंगे, बाकी सही सारा अच्छा है अभी काउंटर भी तो मस्त। अभी पहले ये दोनों होगा तो कल ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि तीन चार मिस्त्री है तो जल्दी से फाइनल हो जाएगा। फिर इसमें लगेंगे ये भी, ये सारा आगे का प्लास्टर हो जाएगा पूरा। जब तक मतलब ये सारा प्लास्टर होगा, पहले ये दोनों कमरा होने के बाद जब और सारी जगह प्लास्टर होगा तो उसे उसमें और सारा काम जो कि अपना सेटअप वाला सामान लगाना शुरू कर देंगे, लाइट वाइट पूरा कनेक्शन। बाकी भी सामान भी आ गया, उधर मोरंग रखा हुआ है, वहाँ पे बालू है, बाकी सीमेंट आगे रखा हुआ है। तो मस्त अभी आपको दिखा देते हैं, ये कमरा का भी हो चुका है, देख सकते हैं अभी लगा करके। बाकी सारा सामान भी आ गया है, पाइप वायरिंग का सारा सामान आ गया है, तार भी आ चुका है तो रखा हुआ है अंदर तार। तो यहाँ पर काफी मस्त जल्दी बन जाए, जैसे मतलब कि जैसे ये स्टूडियो फाइनल होगा फिर काफी मस्त मस्त सॉन्ग भी आने लगेंगे भैया का। तो फिलहाल अभी स्टूडियो बन भी रहा है तो इसके साथ भी सॉन्ग भी शूट होगा। आज का डेट था लेकिन कल काफी ठंडी थी इसलिए लोकेशन देखने वाले नहीं आए, तो आज नहीं तो कल लोकेशन देखेंगे। परसों से दो तीन सॉन्ग शूटिंग हो जाएगी, तो एडिट भी करना है तो एडिटिंग वहां पर हो जाएगा। मदरबोर्ड भी आ चुका है तो भी आपको शाम को दिखाएंगे। बाकी मदरबोर्ड आ चुका है तो एडिटिंग भी करना लगभग उतना आता है, जो भैया का दो सॉन्ग अपलोड हुआ है हमने एडिट किया था। तो फिलहाल अभी जो है इसमें सारा काम हो रहा है, कल से काम लगेगा। फिर फाइनली जैसे ही स्टूडियो बन जाएगा फिर काफी मजा आएगा दोस्तों, आपको भी दिखाएंगे। स्टूडियो में कुछ अलग ही रहता है दोस्तों, तो मस्त अभी सारा काम कर लेते हैं। अभी आपको अंदर में चल के दिखाते हैं कि सारा सामान बिल्कुल, अभी तो गोदाम बिल्कुल खाली था दोस्तों, देख सकते हैं कैसा बिल्कुल भर चुका है गोदाम। तो सारा सामान ऐसे ही रख दिया गया, इसमें भी आ गया जो कि इसमें पूरा बढ़िया अच्छे तरीके से बना था लाइट लगाकर, जो कि इसमें बनाएंगे डांस सीखने के लिए। ये शीशा लगा हुआ है, बाकी यहाँ पे पूरा भर चुका है, अच्छे तरीके से रखा नहीं गया, नहीं तो इसी में सारा आ जाता, ये वाला व्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें अभी जब ऊपर पूरा कनेक्शन हो रहा होगा तो इसमें भी लाइट करा लेंगे, क्योंकि इसमें डांस सीखने का बहुत ही अच्छा है, मतलब ना कोई होगा ना कुछ, अकेले में ही बढ़िया, जैसा मन करे वैसा करो, उससे छोटा सा साउंड भी आ जाएगा। तो मस्त यहाँ पे सारा सामान रख दिया गया है। बाकी अभी काफी भी ठंड हो रही दोस्तों, ना कोहरा गिर रहा है ना कुछ भी, लेकिन बदरी है दोस्तों, अभी तक धूप नहीं निकला है, देख सकते हैं। तो इधर दोनों लोग देख रहे हैं, बाकी सीमेंट ये रखा हुआ है। तो अभी फाइनली दोस्तों खेतों में सारा काम हो चुका है, तो अभी घर आ चुके हैं, तो खाने में देख सकते तारी रोटी है, तो मस्त खाते हैं। तो अभी दोस्तों खाना खाने के बाद गोदाम पे आ चुके हैं, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं लगभग सारा सामान घर खाली हो चुका है, तो सुबह इसी घर में काम लगेगा प्लास्टर के लिए। तभी यहाँ पे बिस्तर भी लग गया है तो लेटे हैं, तो अभी ब्लॉग एडिट करेंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, तो दोस्तों जल्दी से मतलब एडिट करके रख देंगे, वीडियो को अपलोड कर देंगे, फिर सुबह पब्लिक कर देंगे। तो अभी जल्दी सोते हैं क्योंकि सुबह ही काम लगेगा। तो फिलहाल अब इस ब्लॉग को पेंड कर देते हैं, आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। वाईटी के तब से छक्का।